पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। दादी और करण को तो तुम ट्रीट कर ही रही हो, मुझे ना एक सवाल का जवाब और चाहिए। मुझे खाली इतना बताओ कि अब तुम और क्या क्या करने वाली हो। मतलब मैं समझी नहीं। समझी नहीं? समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? बोलो ना। कोई बात नहीं, तुम नहीं समझी ना तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें पूरा एलैबोरेट करके समझाती हूँ। ये घर, दादी, करण, इन सबके लिए तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? तुम्हें क्यों सबकी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है? बोलो ना। ये मेरी दादी सास है, करण मेरा हस्बैंड है, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तुम यहाँ एक डॉक्टर की ड्यूटी करने आई हो ना, राइट? तो डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर घर में आता है, पेशेंट को देखता है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देता है, ट्रीटमेंट देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो बता के चला जाता है। Am I right? है ना? तुम क्या कर रही हो ये बताओ मुझे। क्या कर रही हो मेरे घर में, क्या कर रही हो तुम? तुम डॉक्टर की ड्यूटी करने आई हो तो दो मुझे इंस्ट्रक्शंस, दो मुझे प्रिस्क्रिप्शंस, बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर उसके बाद यहाँ से चली जाओ ना। जस्ट लीव। नहीं, बट तुम यहाँ पे मेरे हस्बैंड की देखभाल कर रही हो, वो सब कर रही हो जो उसकी वाइफ को करना चाहिए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? वेल, करण को टाइम पे मेडिसिन देनी है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए, और दादी को रोज लॉन में लेकर जाना है, वॉक कराना है, उनकी थेरेपी करनी है, रोज एक्सरसाइज करनी है ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे, और दोनों को मेडिसिन टाइम पे देनी है, एक भी मेडिसिन मिस नहीं होनी चाहिए। फाइन, परफेक्ट, ये सब मैं आराम से कर सकती हूँ, तो तुम्हारी अब इस घर में कोई जरूरत नहीं है। यू मे लीव। अभी तो मैंने तुम्हें कहा था निधि, चली जाती मैं यहाँ से अगर दादी और करण की बात नहीं होती तो। पहले तो सिर्फ दादी की बात थी, अब तो करण की भी हालत ठीक नहीं है, और मैंने तुम्हें कहा कि एज अ डॉक्टर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा अगर मैं इस हालत में दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी तो मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं दोनों का ख्याल रखूँगी, और अब तो मैं शौर्य का भी ख्याल रखूँगी। बेचारा बच्चा कब से लॉकअप में बंद है, जब तक बाहर नहीं आ जाता मुझे तो चैन नहीं आएगा। कुछ भी करके मुझे उसे जेल से भी छुड़वाना है। One second. अब तुम्हें मेरी दादी सास और मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरा शौर्य भी चाहिए। तुम उसकी भी मां बनना चाहती हो? हाँ, तो मेरा ही बेटा है। You see? This is what I was talking about. मैं ये बोल रही थी, अब इसको शौर्य पे भी अपना हक चाहिए। मतलब मैंने उसे अपना बेटा कहा है तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहा, अगर मैंने अपने आप को उसकी माँ माना है तो माँ के सारे फर्ज भी निभाऊंगी। वो बेचारा लॉकअप में बंद है, अभी तक बाहर नहीं आया है, किसी को कुछ चिंता नहीं है क्या? मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगी और उसे बाहर लेकर आऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।